आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो सर्कल क्या होता है? अगर हम सर्कल को देखें तो जैसे अगर मैं इस तरह के पॉइंट्स लूँ बहुत सारे और इन सबको अगर मिला दूँ तो एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा। लेकिन इसकी खासियत क्या होगी? ये किसी एक पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे होना चाहिए। मतलब रेडियस। यहाँ से अगर मैं इस लाइन को खींच रहा हूँ जो कोई पॉइंट को मिला रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स का दूरी जो है इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से इक्वल होगा, इक्वल यानी बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर, केंद्र। या फिर हिंदी में केंद्र। और सेंटर से जो इसके सिरे पे अगर हम कोई लाइन त्रिज्या। खींचते हैं तो इसको त्रिज्या। बोलते हैं रेडियस। रेडियस, या फिर हिंदी में त्रिज्या। त्रिज्या। और त्रिज्या की लंबाई हर एक तरफ अगर हम केंद्र से खींचे या सेंटर से खींचे तो वो हमेशा बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर यही यही रेडियस को अगर हम एक सिरे से दूसरी सिरे तक एक्सटेंड कर दें या बढ़ा दें, जो कि सेंटर से होता हुआ गुजरे, तो इस ये डायमीटर का फॉर्म ले लेता डायमीटर है, यानी व्यास। व्यास का फॉर्म ले लेता है। बट इसकी कंडीशन क्या है कि ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना चाहिए मगर केंद्र से, यानी सेंटर से होता हुआ। तो अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको आर बोल रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी आर बोल रहा हूँ, तो अगर मैं डायमीटर यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेता हूँ, तो हम देखेंगे कि ए बी को अगर मैं डायमीटर या व्यास बोलता हूँ तो वो आर और आर यानी 2R के बराबर है। ठीक है। इसके अलावा जो ये हमने किनारे किनारे लाइन खींची है, ठीक है, इसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस, परिधि। या फिर हिंदी में परिधि। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं सर्कल को यहाँ से बांट देता हूँ, मान लो ये वाला हिस्सा काट के मैं ये दिखाता हूँ आपको, यानी जीरो इसका जो परिधि का एक हिस्सा काट के जीरो। ये दिखाता हूँ, तो इस हिस्से को आर्क बोलते हैं। एक इसमें बड़ा आर्क आएगा जिसकी लंबाई बड़ी होगी, और एक छोटा अच्छा आर्क आएगा जिसकी लंबाई जी। छोटी होगी, यानी इसको बोलेंगे हम मेजर आर्क, इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क।